सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सीटेट का पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो कि 9 दिसंबर 2018 को जो है वो हुआ था, इसके भाग एक में जो हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आते हैं और गणित जो कि 31 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक आते हैं उनकी बात कर चुके हैं। अगर वो पिछला पार्ट आपने गणित का नहीं देखा है, साइड में आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो कि हमारे प्रश्न आते हैं 61 से लेकर 90 तक। इन सभी प्रश्नों को हम साथ साथ जानने के साथ साथ आप जो है वो प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करिएगा। तो 61 क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय में जो है वो मिड डे मील के समय के लिए कौन सा जो है वो सबसे अधिक जो समय की बात की जा रही है वो प्रासंगिक है, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त है। पहला हमारा ऑप्शन है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, यहाँ पर वाक्य को आपको जो है वो छांटना है। दूसरा है हमारा शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है हमारा कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ईवीएस जो है ये हमारा जो पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं यह पोर्शन इसी को जो है वो दर्शाता है। और चौथा है हमारा कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। विद्यालय में जो है वो मिड डे मील योजना की बात करें तो इसका कार्यक्रम जो है वो ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो मिड डे मील है वो 1995 में जो है केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षण के साथ साथ आहार या कह सकते हैं पोषण उपलब्ध कराना होता है, ताकि बच्चों को जो है वो पोषणहीनता से बचाया जा सके। और हम ये भी जानते हैं कि जो नामांकन संख्या बढ़ाना है वो भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हमारा उत्तर जो है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। पहला ऑप्शन है हमारा ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दूसरा है हमारा स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा हमारा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। और चौथा है हमारा अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो बोझ के बिना सीखना जो है जो परिभाषित करता है वो हमारा ऑप्शन सही होगा उत्तर नंबर 2, यानी कि स्कूल बैग का कम वजन। बात करें इसके बारे में तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो है वो बोझ के बिना सीखना जो है वो स्कूल बैग का कम होना या कह सकते हैं स्कूल बैग का जो वजन है वो कम होना बताता है। और आपने ये जो है वो यशपाल समिति में पढ़ा भी होगा शिक्षा बिना बोझ के, तो वहाँ पर हमने ये सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताया भी था। इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षण में पाठ्यक्रम और पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो, यानी कि ऐसा एडजस्टमेंट हो कि बच्चों को जो है इसका दबाव जो है वो महसूस ना हो। इससे मानसिक दबाव पड़ता है ज़्यादा जब बोझ हो जाता है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित होती है। अतः बोझ के बिना सीखना जो है वो अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड जो है उसको कम करना। दूसरा ऑप्शन है कि लड़के और लड़कियां जो है वो अलग अलग सीख सकते हैं। तीसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनको अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। और चौथा है हमारा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में जो है वो सक्षम बनाना। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। वैसे मोस्टली जो है आप अगर सीटेट में देखेंगे तो जो ज़्यादा बड़ा ऑप्शन होता है मोस्टली जो है वो वही सही होता है। ये तो एक बात हो गई ट्रिक की, थोड़ा सा बात करें इसके बारे में। तो जो ईवीएस कक्षा में समूह की बात करें तो उसमें सीखने का उद्देश्य बच्चों में जो है वो सहयोग के जो मूल्य हैं उनको लागू करना और एक साथ काम करने के प्रति प्रत्येक बच्चे को जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में जो है वो सक्षम बनाना होता है। समूह में सीखने से बच्चे जो होते हैं उनमें वर्कलोड कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो पाते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा जो विकल्प है वो 4 सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाला BALA का जो है वो पूरा रूप क्या है। ऑप्शन हमारे पास ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, दूसरा है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, तीसरा है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, और चौथा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग।
अगर आपको इसकी जो है वो इंग्लिश में फुल फॉर्म पता होगी तो आप हिंदी में जो है इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यहाँ पर बिल्डिंग की बात की जा रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं, देखिए बिल्डिंग यहाँ पर वर्ड आया है, यानी कि आप अगर इंग्लिश में जानते हैं तो आप इजीली तरीके से इसको कर लेते हैं। और हिंदी में होती है हमारी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसकी बात करें तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनका एक तत्व होता है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। अधिगम मतलब सीखना। ये अधिगम के क्षेत्र में जो है शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कह सकते हैं शिक्षण कौशल है, शिक्षण वातावरण है, पाठ्य सामग्री है, नवीन सीखने की तकनीकें, ये सभी जो अधिगम सहायक के रूप में जो है वो इसी में शामिल होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है हमारा कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दूसरा है विभिन्न भौतिक कठिनाओं का जो पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तीसरा है हमारा कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। और चौथा है हमारा वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हों। वैकल्पिक ढांचे की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से जो है वो, यानी कि बिन औपचारिक और अनौपचारिक की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से जो है वो अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक जो ढांचा है वो नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक ढांचा शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ड्राइवर जो है DRIVER और इसलिए ESLEY ड्राइवर और इसलिए द्वारा जो है वर्ष 1978 में जो है वो किया गया था। ये ढांचा जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक क्या है? अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है या रूढ़िबद्ध धारणा है? तो ये जो है एक रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक पूर्णता कह सकते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, क्योंकि महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच जो है उन्हें मजबूत बनाने से रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। हालांकि अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में तो वैसी महिलाएं हैं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ती हैं, अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी जो है वो दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो अगर आपको मैप जो है वो ज्ञान है मैप का तो आप इसलिए तरीके से इसको टिक कर सकते हैं। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति की बात करें, ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी स्थिति होती है उत्तर पश्चिम, देखिए ऑप्शन में दे रखा है चौथे, और गोवा की होती है दक्षिण पश्चिम, यानी कि उत्तर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। पहला ऑप्शन है हमारा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, दूसरा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, तीसरा है हमारा सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और चौथा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। यहाँ पर बात की जा रही है वाष्पीकरण प्रक्रिया की सबसे धीमी की, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सतह क्षेत्र और जो तापमान है दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो सबसे धीरे होगी, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है उस स्थिति में ही सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। उल्लेखनीय है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है वही वाष्पीकरण कहलाती है। जब सतह का क्षेत्र जो है वो बढ़ा हुआ होता है तो तापमान जो है कम या अधिक होने की स्थिति में भी जो है वो वाष्पीकरण होता है। जैसे कि आप अगर इसको आप एग्जांपल के जरिए समझें तो जैसे कपड़ा सुखाने की क्रिया से आप इसको समझ सकते हैं कि जो कपड़ा फैला कर रखा जाता है वो जो है वो जल्दी सूख जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो ये क्या है? ये चार ऑप्शन है हमारे, ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल या स्थिति कौशल। और जो चित्रण कौशल है इसी को हम इंग्लिश में मैपिंग कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा चित्रण कौशल, क्योंकि मैपिंग में आप देखते हैं स्थानों, दूरियों और दिशाओं, इन सभी की स्थिति को समझाने का प्रयास किया जाता है या सभी जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो है वो सिफारिश की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो बात करें ऑप्शन की, तो पहला है हमारा 1975, दूसरा है हमारा सन 2005, तीसरा है हमारा 1988 और चौथा है हमारा एनसीएफ 2000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एनसीएफ 2000, सन 2000 जो है, जो एनसीएफ था उसमें जो है इसको बात की गई थी। थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 जो है, इसने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए जो पर्यावरण है, जो कि हमारा प्रश्न में पूछा है, इसको जो है शामिल करने की सिफारिश की थी। और इसी के अनुसार विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान है उसमें विषयों को विभक्त किया गया था। और इसी की सिफारिश यानी कि एनसीएफ सन 2000 के पश्चात जो है एनसीएफ 2005 जो है, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं, इसे स्वीकार किया गया था, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप में प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। तो अगर आपको मैप जो है वो अच्छे से पता होगा तो इजीली तरीके से आप इसको कर लेंगे। ऑप्शन हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। थोड़ा सा बात करें स्थानांतरित खेती होती क्या है, तो भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन में ही है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरित जो खेती है, जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं, वो पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जो है वो जनजातीय कृषि भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है कुछ समय तक किसी भूखंड पर जंगलों को साफ करके जो है वो कृषि की जाती है, और जब वहाँ की जो ज़मीन होती है, या कह सकते हैं जो भूमि होती है, वो कम उपजाऊ हो जाती है या उपजाऊ नहीं रह जाती, तो वहाँ की जगह छोड़कर हम दूसरी जगह जाते हैं और जंगल साफ करते हैं और फिर से जो है वहाँ पर खेती करते हैं। तो स्थानांतरित का अर्थ ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन है पहला हमारा कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं में अलग करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तीसरा है ये पानी या हवा को प्रोत्साहित नहीं करता है, और चौथा है कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये जो है हमारा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बांध के अगर माध्यम से आप समझें तो बांध जो है वो आसपास के जो लोग हैं उनको भी प्रभावित करेंगे, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोग प्रभावित हो रहे हैं तो ये जो है वो प्रोत्साहन कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही कथन दो वाला जो है वो हमारा सत्य नहीं के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, या तो बात करें ऑप्शन की जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ये सभी। तो ये सभी जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊँचाई पर हैं, दूसरा ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, तीसरा ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, और चौथा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा जो है वो बहुत पतली या कह सकते हैं कम होती है। तो बात करें उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बात करें थोड़ा सा अगर इसके बारे में, तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर हैं, साथ ही वे हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे जो है वो वर्षा कम होती है और जो क्षेत्र होते हैं वो अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। भारत का सबसे ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो वो लद्दाख क्षेत्र है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हम बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन हमारा SSC का जो 10+2 लेवल का पेपर होता है उसमें पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल जो है उसके जो पीले होने का प्रमुख कारण को अगर समझें तो पास में ही जो मथुरा शहर है वहाँ से जो है विषैली गैस निकलती हैं, जो आसपास की फैक्ट्री या रिफाइनरी होती हैं, तो ये जो गैस है वो वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड जो है उससे मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती हैं, और यही गैस जो है वो अम्लीय वर्षा के रूप में जो ऐतिहासिक इमारत होती हैं उस पर गिरती हैं। और जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीले होने का जिम्मेदार, तो यही जो है वो कारण बन जाता है।
बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारे पास पहला पल्लव राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चोल राजवंश, तीसरा है चालुक्य राजवंश और चौथा है हमारा काकतीय राजवंश। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि काकतीय राजवंश। गोलकोंडा जो किला है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। गोलकोंडा के किले का निर्माण जो है वो काकतीय राजवंश ने जो है वो कराया था। इसका संस्थापक जो है वो कुली कुतुब शाह था या कह सकते हैं उसको माना जाता है। कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकोंडा 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में जो है वो प्रसिद्ध थी। वर्तमान में जो है यहाँ पर चार मीनार और हुसैन सागर झील स्थित है। इस जो किला है इसकी मरम्मत कराने का जो श्रेय है वो प्रताप रुद्र को प्राप्त है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा भी है d बराबर m अपॉन v, तो हमारा इसमें घनत्व दे रखा है और आयतन दे रखा है, तो हम अगर इससे फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा हमारा घनत्व गुणे आयतन। और घनत्व हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 15 और आयतन दे रखा है 3, यानी कि 15 गुणे 3 हमारा आ जाएगा 45 ग्राम। उत्तर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व डेंसिटी को कहते हैं, द्रव्यमान m मास को कहते हैं और v यानी कि वैल्यूम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि की बात करें, ऑप्शन है पहला भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा इसको भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर के आधार पर आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में अंतर जो है होता है पर देखने में जो है वो एक ही लगता है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंदर जो है वो कितना द्रव्य या मैटर मौजूद है, यह उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी जगह और परिस्थिति में जो है वो समान रहती है। परंतु जो भार होता है वो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका पृथ्वी पर मान आप जानते हैं 9.8 होता है, उसका जो है वो परिणाम हमारा भार होता है। तो भार हमारा जो है वो एक सदिश राशि होता है और जो द्रव्यमान होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। अदिश राशि कह सकते हैं अगर डेफिनेशन के आधार पर तो इसमें परिमाण होता है और जो सदिश राशि है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा सिंपल सा आपा आधारशी हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन की अभी हमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है? ऑप्शन है पहला हमारा 10 N, दूसरा ऑप्शन है 60 kg, तीसरा ऑप्शन है 10 kg और चौथा ऑप्शन है 60 N। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा 10 kg। अभी हमने अगर आपको द्रव्यमान की आपने डेफिनेशन समझी और हमारे यहाँ पर द्रव्यमान ही दे रखा है, हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान जो है किसी भी स्थिति में जो है वो बदलता नहीं है। तो अगर ये द्रव्यमान 10 किलो जो है वो चंद्रमा की सतह पर है तो 10 किलो जो है वो पृथ्वी की सतह पर होगा। पर अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 1/6 होता है तो वो जो है वो हमारा भार होता है, तो भार और द्रव्यमान में इसीलिए हमने अंतर की बात की। किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है, तो अगर यहाँ पर भार लिखा होता तो हमारा ये उत्तर बदल जाता। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? भार पर, दाब पर, तापमान पर या सतह क्षेत्र पर? तो ये निर्भर करती है हमारी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तापमान पर। विलय मतलब होता है किसी चीज़ में घुलनशील की अगर बात की जा रही है उसके बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसा करने की सबसे उपयुक्त जो है वो रणनीति है? ऑप्शन है पहला हमारा कि बच्चों के एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा समूह चर्चा और चौथा ऑप्शन है हमारा पोस्टर लगाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इससे जो है जो बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो उस चीज़ को लेकर हो पाते हैं और जितना वो जागरूक होंगे उतना वो इंटरेस्ट लेंगे पेड़ पौधों में भी। ये तो सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, पाठ्य पुस्तकों में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए जो है वो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है हमें बताना है?
चार ऑप्शन है हमारे पास कि पहला है हमारा जिसमें समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। दूसरा ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। और चौथा ऑप्शन है इससे बच्चों को जो है वो डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में भी सक्षम बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसने जो है वो बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में जो है वो सक्षम बनाया। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के जो झटके हैं उस पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण जो है इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी दृष्टिकोण, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण और चौथा है हमारा अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अन्वेषण दृष्टिकोण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, ऑप्शन हमारा पहला कि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, दूसरा हमारा यह सस्ता और सुलभ है, तीसरा है कि बुजुर्ग लोग जो है वो बुद्धिमान है और उनके पास समय है, और चौथा है ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वास्तविक परिस्थिति में जो है वो सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय की बात करें तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में जो है वो सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जो है वो शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण से पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को भी शामिल किया जाता है जिससे जो है वो बच्चे अनुभव ग्रहण करते हैं तथा प्रेरित भी होते हैं, जिससे बच्चों का जो है वो मानसिक विकास भी होता है और उस पर भी जो है इनका प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा कि EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को जो है वो विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तीसरा ऑप्शन है हमारा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, और चौथा है हमारा पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। EVS जो शिक्षण अधिगम है इसमें कक्षा में प्राप्त जो अधिगम होता है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का जो है वो तात्पर्य जो है वो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होता है। इसका आशय है कि बच्चों को कुछ व्यवहारिक दैनिक जीवन में जो है वो घटित सामान्य घटनाएं जो है उसको पुस्तकों एवं बाहर के माध्यमों से समझाया जाए जिससे कि शिक्षण जो है वो रुचिकर हो सके और बच्चों का जो मनोबल होता है वो भी बढ़ सके। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके जो बच्चे हैं वो एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा, दादी एवं अन्य रिश्तेदार जो है वो साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है, आप इस बारे में जो है वो क्या सोचते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है परिवार की जो परिभाषा है वो गलत है, तीसरा ऑप्शन है हमारा रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है और चौथा ऑप्शन है हमारा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? पहला ऑप्शन है सैंपट का उपयोग, दूसरा है चित्र पढ़ना, तीसरा है फील्ड भ्रमण और चौथा है ये सभी। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये सभी जो है वो EVS कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 89 हमारा कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत है, एकीकृत है, समावेशी है या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। इसके अंतर्गत विषयगत भी आते हैं, एकीकृत भी आते हैं और समावेशी भी आते हैं। ऐसा होने से जो बच्चे होते हैं उनके सीखने के अवसर कक्षा के साथ साथ जो है वो विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिल जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 90 की EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है।
पहला ऑप्शन है कि पशुपालन जो है वो आजीविका का अच्छा स्रोत है, दूसरा है कि यह एक अवैध कार्य है, तीसरा है कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे जो है इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, और चौथा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से जो है वो वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें जो है वो अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारे पर्यावरण अध्ययन के जो है टोटल सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।